सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी M42 के बारे में। तो बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें थी कि शायद सैमसंग सबसे पहले अपने 5G स्मार्टफोन्स इस सीरीज के अंदर लॉन्च करेगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि ऐसा नहीं हुआ। सैमसंग ने अपने इस सीरीज में 5G स्मार्टफोन्स को लॉन्च नहीं किया, लेकिन अब आप लोगों को सैमसंग की तरफ से मिड रेंज स्मार्टफोन में सबसे पहले 5G स्मार्टफोन सैमसंग के M सीरीज में देखने को मिलने वाला है। तो सैमसंग गैलेक्सी M42 की डिटेल्स, इस स्मार्टफोन का BIS सर्टिफिकेशन और इस स्मार्टफोन को सैमसंग इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में लिस्टेड कर दिया गया है। यानी कि आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M42 आप लोगों को इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्द यहां पर लॉन्च होते हुए दिखने वाला है। तो सैमसंग के M सीरीज में 2 स्मार्टफोन 5G के साथ आएंगे। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सैमसंग यहां पर 2 5G स्मार्टफोन अपने M सीरीज के अंदर लॉन्च करेगा। एक होगा सैमसंग गैलेक्सी M42 जिसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं, और एक स्मार्टफोन होगा सैमसंग गैलेक्सी M62। तो ये दोनों सैमसंग के M सीरीज के 5G स्मार्टफोन्स यहाँ पर होने वाले हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो जो सैमसंग गैलेक्सी M42 है, इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग अराउंड 20 से 22,000 के आसपास हो सकता है, और जो सैमसंग का M62 है ये बेसिकली A52 का रीब्रांडेड होगा, और इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग लगभग 26 या फिर 27,000 के आसपास होने वाला है। तो जो फीचर्स आपको सैमसंग गैलेक्सी A52 में मिलता है, सेम वही फीचर्स आप लोगों को सैमसंग के M62 में यहाँ पर मिलेगा। सिर्फ प्रोसेसर में चेंजेस होगा और कैमरा और थोड़ा डिजाइन में आप लोगों को चेंजेस देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। बाकी आपको सेम फीचर्स मिलेगा जो आप लोगों को सैमसंग के A52 में यहाँ पर मिलता है। तो सैमसंग गैलेक्सी M42 20-22,000 रुपये में सैमसंग अगर 5G स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो डेफिनेटली एक मिड रेंज में काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटर यह स्मार्टफोन बन सकता है। तो 5G स्मार्टफोन आ रहा है फाइनली सैमसंग की तरफ से। हम लोगों को उम्मीद था कि शायद हमें S सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन S सीरीज के अंदर सैमसंग ने लॉन्च नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, सैमसंग के M सीरीज के अंदर आ रहा है। तो सैमसंग के 3 स्मार्टफोन आएंगे 5G के, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन से स्मार्टफोन है जो कि आप लोगों को सैमसंग के 5G स्मार्टफोन मिड रेंज में सैमसंग लॉन्च करने वाला है। और इस स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.4 इंचेस का एक 1080p सुपर एमोलेड डिस्प्ले, आप लोगों को इन्फिनिटी यू शेप में वाटर ड्रॉप डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। 48 मेगापिक्सल का आप लोगों को क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा। 20 मेगापिक्सल का आप लोगों को सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है। 6GB और 8GB 2 वेरिएंट आएंगे, तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसकी तरफ यहां पर आप लोग जा सकते हैं। मीडियाटेक का डायमंडसिटी 720 का आप लोगों को SoC मिल सकता है इस स्मार्टफोन में। देखते हैं कि कैसा SoC है और क्या परफॉर्म करता है। 6000mAh का बैटरी होगा, टाइप सी का आप लोगों को 15W का चार्जर इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है। तो आप लोगों को पता है कि जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशन है वो सभी को सैमसंग के ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन प्रोसेसर में और थोड़ा डिजाइन में आप लोगों को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सैमसंग की तरफ से आपको M सीरीज में बहुत ही जल्द 5G स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, और मे बी आप लोगों को ये अप्रैल के एंड तक या फिर अप्रैल के थर्ड वीक तक ही कुछ रिपोर्ट आ जाएगा कि अभी ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। तो डेफिनेटली 20-22,000 रुपये में सैमसंग का 5G स्मार्टफोन लोगों को भी पसंद आएगा। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।